मंदसौर जिले के गरोठ में सरकार चाहे लाख विकास के दावे करे लेकिन सारे दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गरोठ तहसील के गांव बावर खेड़ा का सामने आया है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र खुले में चलाया जा रहा है, जहां पर भरी बरसात में छोटे छोटे मासूम बच्चे दूध दलिए के लालच में नंगे पांव बिना किसी छत के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। जहां आंगनवाड़ी खुले आसमान के नीचे पेड़ के नीचे चलाई जा रही है, लेकिन इस आंगनवाड़ी केंद्र को एक शासकीय भवन भी नसीब नहीं हुआ। उधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि मैंने कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन कोई भी अधिकारी मेरी नहीं सुनते। इस वजह से मुझे खुले में पेड़ के नीचे आंगनवाड़ी चलाना पड़ रहा है, जिससे मैं अपने रिकॉर्ड परेशानी। क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि मेरे को रोड पे बैठ के काम करना पड़ता है, जिससे मेरे को रिकॉर्ड भी तैयार नहीं कर सकती हूँ मैं। मेरे इसके बावजूद बच्चों को बिठाने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ढंग से, बच्चों को थोड़ी बहुत पढ़ाना लिखाना सब रहता है। तो अभी कहाँ लगा रहे हो आप आंगनवाड़ी? यही बैठती हूँ मैं, यही करती हूँ। बारिश आती तब भी परेशानी आती है, और यहाँ किराए का मकान देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने कोशिश कर ली सब तरह से। आपने किसी को शिकायत की इस बारे में? सब जगह करी मैंने शिकायत, और सबको बोला भी सही। और स्कूल में गई मैं, तो स्कूल में से भी मेरे को ये बोला कि कमरा नहीं है खाली, और मैंने सफाई करी, कमरा भी नहीं दिया, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। बिहार से सर के पास में गई मैं, उनसे लिखित में लेके गई, उनने जो बीएस चौहान पास उनसे लिखित में लेके, उनने भी वहाँ से मेरे को मना कर दिया कि कमरा नहीं है स्कूल में। तो इतनी परेशानी के बावजूद भी मैं आ रही हूँ, बारिश में यहाँ भी आती हूँ, वर्राखेड़ी भी जाती हूँ, दोनों जगह जाके मैं करती हूँ। कितने समय से आंगनवाड़ी खुले में लगती है? ये खुले में लगते 7 साल हो गए। 7 सालों से खुले में फिर भी कोई नहीं सुनता है, बोल दिया मैंने मेरी तरफ से।